हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आई होप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो स्वागत करती हूँ मैं आप सबका अपनी एक और नई वीडियो में। तो जैसे कि इस समय सर्दियाँ बहुत अपने पीक पे हैं और सभी उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अपना अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो आज की वीडियो मेरे इसी से रिलेटेड है कि सर्दियों में जैसे कि कड़ाके की सर्दी पड़ रही है और इसमें जो है काम करना मतलब थोड़ा सा बहुत बड़ा टास्क हो जाता है सुबह सुबह। तो ऐसे में हम अपने घर को मतलब छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा अपना काम करके कैसे हम अपने घर को अच्छे से नीट एंड क्लीन और हाइजीनिक रख सकते हैं, तो वही सब मैं आपसे यहाँ पे शेयर करूँगी। तो चलिए देखिए, फर्स्ट टिप्स यही है मेरा कि जो अपने घर के हमारे खिड़की दरवाजे वगैरह होते हैं इनको हम डेली डस्टिंग करें। डेली डस्टिंग करेंगे ना तो ये इनसे जो धूल वूल होगी ना वो हमारे अंदर मतलब पूरे घर में नहीं आ पाएगी और एकदम हमें फ्रेश फ्रेश हवा मिलेगी, जिससे जो है इनसे आने वाली जो डस्ट होगी ना वो फर्श पर नहीं गिरेगी और आपको हर रोज़ पोछा लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। क्योंकि सर्दियों में एक दो दिन तो चलता है, क्योंकि थोड़ा सा मतलब सर्दी इतनी हो रही है कि पोछा लगाना एक बहुत बड़ा टास्क हो जाता है। तो एक दो दिन चीटिंग हम ऐसे कर सकते हैं, लेकिन अपने घर को हम नीट एंड क्लीन रखेंगे, एकदम डस्ट फ्री रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए फर्नीचर्स वगैरह सारी चीज़ों की डेली डस्टिंग करनी है और एकदम इनको भी नीट एंड क्लीन रखना है, सारी चीज़ें अच्छे से झाड़नी है, तभी जाके जो है हमारा घर नीट एंड क्लीन लगेगा और मेंटेन रहेगा। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो एंड में एक लाइक करके ज़रूर जाइएगा, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जो पहली बार वीडियो पर आ रहे हैं, तो वो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट है कि हमें अपने जो घर में जितने भी कारपेट वगैरह हैं इनको हमें ना डेली वैक्यूम क्लीनर से क्लीन कर लेना चाहिए, या फिर जो है हमें इनको धूप दिखा देनी चाहिए। लेकिन आजकल जो सर्दियों का टाइम है, डेली तो धूप नहीं आ पा रही है, तो जब भी धूप आती है इनको दिखा दीजिए धूप, क्योंकि सबसे ज़्यादा धूल इन्हीं पे लगती है। और इस कारपेट के लिए ना एक कमेंट भी आया था पिछली वीडियो में, इसका प्राइस पूछा गया था, तो ये मुझे पड़ा 1200 रुपये का, जो गलियों में आ जाते हैं ना बेचने वाले, तो उनसे लिया था मैंने। तो काफ़ी अच्छा है, अभी तक इसको 2 साल हो गए, मतलब ये दूसरी सर्दी है इसकी। तो हमें जो है कारपेट के साथ साथ अपने कुशंस वगैरह जो होते हैं और डोरमेट्स वगैरह, रक्स वगैरह, सारे ही सबको ही अच्छे से धूप दिखानी चाहिए। अगर डेली धूप आ रही है तो बहुत अच्छी बात है, डेली नहीं आ रही है तो जब भी आ रही है तो तुरंत इनको धूप दिखाइए। नेक्स्ट है कि घर में जितने भी मिरर है ना, चाहे वॉश बेसिन में हो, बाथरूम में हो, या फिर हमारा ड्रेसिंग टेबल हो, हमें सारे ही बहुत अच्छे से डेली क्लीन कर लेने चाहिए किसी भी क्लीनर से। नेक्स्ट है कि हमें अपना बाथरूम भी साफ़ सुथरा रखना है, तो थोड़ा थोड़ा हमें रोज़ उसकी सफाई करनी चाहिए, जिससे हमें मेहनत ज़्यादा नहीं करनी पड़ेगी। तो मतलब इसका कभी आप रैक साफ़ कर लीजिए, कभी आप इसके टाइल्स साफ़ कर लीजिए, कभी इसके आप फ्लोर साफ़ कर लीजिए, फर्श साफ़ कर लीजिए, तो इससे क्या होगा कि हमें एक ही दिन जो है मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और थोड़ा थोड़ा हम डेली एक एक पार्ट जो है करते रहें ना रोज़ में, तो हमारी बाथरूम हमेशा जो है हाइजीनिक भी रहेगी और एकदम नीट एंड क्लीन भी रहेगी।
नेक्स्ट है कि अपनी वार्डरोब को डेली जो है 4 से 5 मिनट डेली दीजिए, जिससे जो थोड़ा सा अव्यवस्थित सी हो जाती है ना, जैसे बच्चे यूज़ करते हैं कपड़े उपड़े निकालते हैं तो बच्चे तो कहाँ ध्यान देते हैं ना, वो तो मतलब उनको तो अगर नीचे से कुछ चाहिए होता है तो वो नीचे से ही खींचेंगे और ऊपर से सारा मतलब अस्त व्यस्त हो जाता है। तो डेली अगर आप इस तरीके से 4 से 5 मिनट वार्ड्रोब को देंगे ना, तो आपकी जो वार्ड्रोब होगी ना वो कभी भी मैसी नहीं होगी और हमेशा व्यवस्थित रहेगी। तो यहाँ पर मुझे कैप्स वगैरह जो थी ना वो फैली हुई नज़र आई, तो मैंने उनको इस तरीके से एक बॉक्स लिया है और उसमें अच्छे से इनको ऑर्गेनाइज़ करके रख रही हूँ। तो इस तरीके से जो है हम सर्दियों में अपने घर को नीट क्लीन और हाइजीनिक रख सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी आपको? अगर पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आ रहे हैं या फिर आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिएगा, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुँचे। और वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद।